मेरे लिए अचंभे की बात नहीं, सोफी को मैं बहुत जमाने से जानता हूं, मगर आपने कभी इशारा भी नहीं किया, बड़े अफसोस की बात। देखो छोटे नवाब, बात चाहे आपको कड़वी लगे लेकिन मेरा उसूल यह है कि किसी को नसीहत न करो, इसलिए कि जब तक इंसान खुद ठोकर नहीं खाता नहीं समझता। और एक बात बताई, अगर मैं सोफी के बारे में आपसे सब कुछ पहले ही सच कह देता तो आप यकीन करते? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कि आपने पहली मर्तबा धोखा खाया है, लेकिन छोटे नवाब दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिले, समझे आप? चलिए मेरे साथ। ओहो, सोफी नहीं है तो कौन सा आसमान गिर गया, जमीन फट गई? चलिए ना, घर पर सारा इंतजाम है, चलिए ना। ओहो, घर आ जा, घिर आए बजरा सवरिया, घर आ जा, घिर आए बजरा सवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरी, फेवर में एक लफ्ज कहना नहीं चाहता। ये भी कोई इंसानियत है? इतनी मेहनत की, उस लड़की से पीछा छुड़ाया, उसके बाद आसमान से गिरे तो बमूल में अटक गए। मैं तो तुम्हें अपना समझ के आई थी भैया, भूल हो गई। अरे रोशन, ओहो, उसे रोको तो मुसीबत, ना रोको तो मुसीबत। भैया मेरी वजह से मुसीबत में ना पड़ी आप,
मुझे जो कुछ करना होगा मैं अकेले ही कर लूंगी। क्या करोगी? मैं छोटे नवाब को राह रास्त पर लाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा दूंगी। मैं ये साबित कर दूंगी कि जब उम्मीद की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तब भी ना उम्मीद होना गुनाह है। जानती हो नतीजा क्या होगा? नतीजा कुछ भी हो भैया, मुझे इसकी परवाह नहीं। दरिया भले ही रास्ते में सूख जाए, लेकिन उसका रुख समंदर की तरफ ही रहेगा। देखो रोशन, जो काम प्यार और मोहब्बत से ना हो सका वो जबरदस्ती भी नहीं होगा। छोटे नवाब के पीछे पड़ना, उसे जबरदस्ती जन्नत की तरफ खींचना बिल्कुल बेकार है। भैया मैं लेक्चर नहीं सुनूंगी, मैं वहीं जाऊंगी जहां वो है। जानती हो वो कहां है? कहीं भी हो, जहन्नम ही सही। वो जहन्नम से भी बदतर जगह है। वो किस जगह है, कहां है, इतने बड़े कलकत्ते में उसको ढूंढने जाएगा कौन? लेकिन मैं जाऊंगी नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। खराब जगह में से गुजरना पड़े तो वो रास्ता नहीं बदलती। नहीं मानती हो तो जाओ, वो शराब के नशे में दूध कहीं औंधा पड़ा हुआ मिलेगा। और मैं उन्हें उठाऊंगी ताकि वो आने जाने वालों की ठोकरों से बच सके। रोशन भाई, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मुझे भी जोश आ गया है। नजीर अंकल कुछ भी कहें, जो होगा देखा जाएगा। हुजूर छोटे नवाब, यहाँ भी लोग मुझे पहचानते हैं? हुजूर को कौन नहीं जानता, जबान पर रहते हैं, दिलों में बसते हैं। चुप, और हमी को खबर नहीं? देखिए ना हुजूर, चांद की किरणें कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, चांद को क्या पता। ओह समझा, तो आप यहाँ के शरीफ आदमी नंबर वन हैं। तौबा तौबा हुजूर, शरीफ नंबर वन तो आप हैं। तो फिर यहाँ आपका कौन सा नंबर है? माफ कीजिए हुजूर, यहाँ पर तो नाच और गाने के नाम से फन और हुनर की तौहीन की जाती है। आप बिल्कुल बजा कहते हैं, यहाँ पर तो लोग गला फाड़ फाड़ कर अल्फाजों को यूं उछालते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि फुटबॉल मैच देख रहे हैं। अब बिल्कुल बजा फरमाया हुजूर ने। गरीब खाने पर तशरीफ ले चलिए, तमाम शिकायतें दूर कर दी जाएंगी हुजूर। ये बात जी हाँ, चलिए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हमको कभी अपने घर को देखते हैं।